हेलो फ्रेंड्स, manisha.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पापड़ और आलू की शानदार अमेजिंग कोफ्ता रेसिपी, काफ़ी यूनिक स्टाइल में और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दो पापड़ ले लिया है, उसे एक पैन में इस तरह से सेंक लेना है। अच्छी तरह से इसे सेंक के जस्ट कड़क कर लेना है ताकि इसका मैं पाउडर बना सकूं। धीरे धीरे करके अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। देखिए मैंने सेक लिया है। अब इसमें एक एक कर सारे पापड़ का थोड़े छोटे पीसेस मैं कर लेती हूँ। छोटे छोटे पीसेस करके मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेना है। देखिए पाउडर हमारा तैयार है। अब इसमें एक बॉयल किया हुआ आलू को कद्दूकस कर लेना है जस्ट ग्रेटर से। अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब थोड़ा सा अदरक इसमें ग्रेट कर देती हूँ। अब डालती हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में आपको अगर हरी मिर्च पसंद है ज़्यादा तो आप उसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और अजवाइन। मैं इसमें बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है, वरना आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़े से धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है और इसे मसल के अच्छी तरह से एक डो की तरह तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से कोफ्ता हमारा तैयार होगा, हमें इसी तरह का चाहिए। बस एक एक कर सारे कोफ्ता को मैं तैयार कर लेती हूँ। यकीन मानिए खाने में सुपर टेस्टी, कोई नहीं कहेगा यह पापड़ की रेसिपी है। बस एक एक कर सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेना है, उलट पलट के अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। सारे कोफ्ते मैंने डाल दिया। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैंने निकाल लिया प्लेट में। अब मैं इसके लिए ग्रेवी तैयार करूंगी। उसके लिए थोड़े से अदरक, हरी मिर्च और टमाटर मैंने डाला है। आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो इसमें ऐड कीजिए। बस मैंने तेल में डाल दिया साबुत जीरा, एक तेज़पत्ता, साथ में ये मसाले, साथ ही धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, सबको डाल के अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है जब तक कि मसाले ऑयल ना छोड़ दें। बस मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसमें ऐड कर देना है पानी। आपको ग्रेवी के हिसाब से पानी रखना है, जितना आपको ग्रेवी पसंद। मैंने हाफ ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। बस इसे अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आ जाए एक एक के सारे कोफ्तों को इसमें डाल देना है। बस फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। अब थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, लो फ्लेम में ढक के थोड़ी देर पका लेना है। देखिए ग्रेवी एकदम कम हो गया है। अब थोड़े से दो मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया के पत्तों से सर्व कर रही हूँ। शानदार हमारा पापड़ आलू का कोफ्ता की रेसिपी तैयार है, सुपर टेस्टी। अब इसे मैं सर्व करने वाली हूँ। आपको यकीन मानिए यह रेसिपी काफ़ी अच्छी लगेगी। एक एक कर मैं सारे कोफ्तों को इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए शानदार रेसिपी तैयार है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय इट।